क्या आपको पता है ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इसलिए पृथ्वी और सबसे बाहरी ग्रह नेप्ट्यून के बीच की दूरी बदलती रहती है। औसतन देखा जाए तो प्रकाश इस दूरी को तय करता है लगभग 4 घंटे में। पृथ्वी से हम जो नेप्ट्यून देखते हैं वो हमेशा 4 घंटे पुराना होता है, यानी 4 लाइट आवर्स दूर। मगर सौर मंडल के ग्रहों की दूरी सबसे बाहरी ग्रह के भी तारों और गैलेक्सियों की विशाल दूरी के आगे तो कुछ भी नहीं है। जैसे ही हम सूर्य के आसपास वाले इलाके से बाहर निकलते हैं, तभी दूरी नापने वाली यूनिट बदल जाती है लाइट आवर्स के बजाय लाइट ईयर्स। लाइट ईयर असल में कॉस्मोस का पैमाना है। एक लाइट ईयर यानी 10 ट्रिलियन किलोमीटर यानी करीब 6 ट्रिलियन माइल्स। ये भी दूरी की यूनिट है जैसे कि मीटर या माइल। ये दूरी लाइट लगभग 1 साल में तय करती है। सूर्य का सबसे नजदीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से 4 लाइट ईयर से थोड़ा सा ज्यादा दूर है। 4 लाइट ईयर की दूरी कितनी होती है? नासा का वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट 56,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज चलता है। इतनी जबरदस्त रफ्तार के बाद भी वॉयेजर को हमारे सबसे नजदीकी तारे तक पहुंचने में 80,000 से भी ज्यादा साल लगेंगे और प्लेडिस क्लस्टर के तारे 400 लाइट ईयर दूर है। मगर आप हमारे साथ जुड़े रहिए घर बैठे ब्रह्मांड के दूर दराज मौजूद सारे रहस्यमय चीजों के बारे में जानने के लिए।